नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। जी हां दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है। अगर दोस्तों आपने 31 मार्च तक नहीं करवाई ईकेवाईसी तो रुकेगी किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। सरकार द्वारा ईकेवाईसी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अनिवार्य किया है। 31 मार्च तक ईकेवाईसी नहीं कराने वालों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को अपना ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। ईकेवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को इस योजना की अगली किस्त रोक दी जाएगी। यदि आपको मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो ईकेवाईसी का सत्यापन आप खुद कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी सीएसएस या ई मित्र केंद्र पर जाकर भी ईकेवाईसी करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त अप्रैल में जारी की जाएगी। इसके लिए किसान 31 मार्च तक अपनी ईकेवाईसी करवा ले ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सरकार 6000 की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में उपलब्ध कराती है। इसमें 2000 रुपए की वर्ष में 3 किस्तें उनके सीधे बैंक खाते में जाती है। अब तक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10 किस्तें मिल चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त अप्रैल महीने में जारी की जाएगी। इससे पहले लाभार्थी को ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि लाभार्थी किसान को मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो वो घर बैठे अपने मोबाइल से आधार ईकेवाईसी करा सकता है। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर आपको जाना होगा। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर बॉक्स में ईकेवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब किसान को अपना नंबर डालना है और सर्च पर क्लिक करना है। आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर डालना है और गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। अब ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। ईकेवाईसी इज ऑलरेडी डन या सक्सेसफुल का मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा। इस तरह आपकी ईकेवाईसी हो जाएगी। यदि लाभार्थी किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो वो घर बैठे अपने मोबाइल से आधार ईकेवाईसी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आपको ई मित्र पर जाना होगा, वहाँ पर आपको कर देंगे। दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण अपडेट। ऐसी ही अपडेट राजस्थान समाचार पर आती रहती है। वही राजस्थान समाचार पे कहीं योजना के बारे में भी जानकारी मिलती है। दोस्तों आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।